कृषि कानूनों को मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे इस बात का समाधान है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के ऊपर जो लगातार मांग चल रही थी कि इनको नकारा जाए, महाराष्ट्र की सरकार ने उनको नकारने से साफ इनकार कर दिया है, नकारने की मांग को भी नकार दिया है। इन तीन कानूनों में कुछ संशोधन करके नए कानून विधानसभा के सामने रखे हैं, और ये संशोधन भी वही है जो केंद्र सरकार ने मंजूर किए है। किसानों के नेताओं के साथ केंद्र सरकार की जो बातचीत हुई, उसमें जो संशोधन केंद्र सरकार ने मंजूर किए, लेकिन किसान नेताओं ने कहा नहीं, हमको तो कानून ही वापस चाहिए, उन्हीं संशोधनों को महाराष्ट्र की सरकार ने लाया है। मसलन एक कानून में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP होता है, तो कानून में केंद्र सरकार भी तैयार था, इस कानून में कहा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे हम लोग एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कानून में यह भी कहा गया है कि 2 साल के लिए कोई भी व्यापारी किसान के साथ MSP के नीचे भी इस प्रकार का करार कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। तो एक प्रकार की डायकोटॉमी, एक प्रकार का विरोधाभास हमको इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा जो कानून है, उसमें केंद्र सरकार के कानून में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बाहर बेचने के लिए मात्र पैन कार्ड की आवश्यकता कही गई थी, यहाँ पर उसके साथ साथ हमारे कानून में ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ों के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन भी लागू नहीं होगा, ऐसा भी इसी कानून में सरकार ने कहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। तीसरा चेंज क्या है, तो हम लोगों ने सब डिविजनल ऑफिसर जो केंद्रीय कानून है उसको प्राधिकृत किया था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर को प्राधिकृत किया था, उसकी जगह एडिशनल कलेक्टर या कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है, एक स्टेप ऊपर गए। और तीसरा जो कानून है, जो उसमें केवल इतना ही चेंज किया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में केंद्र सरकार ने फैमिन के समय, फ्लड्स के समय या फिर युद्ध के समय, अकाल के समय इसको इन्वोक करने का जो अधिकार अपने पास रखा था, राज्य सरकार कहती है कि केंद्र के साथ साथ हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा फेरफार नहीं है, केंद्र सरकार ने जो मान्य किया था उसी को अलग ढंग से लगकर ये कानून लाए गए हैं। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और अपनी राय भी देंगे। तो पहले केंद्र का जो कानून था उसको पूरा किसान विरोधी बताया गया था, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके उस कानून को ला रही है। देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि इस राज्य सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। इन कानूनों को देश में सबसे पहले लाने वाला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने 2006 में ये कानून किए थे, केंद्र ने 2020 में 19 में ये कानून किए। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल इस प्रकार का आंदोलन था, पॉलिटिकल बात थी, और अब तो स्पष्ट ही हो गया।